हमारी मैगी है और ये हम है और ये हमारी पार्टी है, पावड़ी हो रही है। ये हम है, हमारी मैगी है और ये हमारी पावड़ी हो रही है। हे फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे नीर वाटरफॉल जो कि ऋषिकेश में है। तो यार चलते हैं हम लोग सीधे नीर वाटरफॉल। आ गए हैं यहाँ पे हम ऋषिकेश में नीर वाटरफॉल, जहाँ पे हमें सबसे पहले टिकट कटवाना पड़ेगा। पीछे यहाँ पे टिकट काउंटर भाई ने कटवा भी लिया है। कटवा लिया है मैंने। कितने का है बताइए जरा? 120 रुपए का है, चार बंदों का। चार बंदों का, कॉर्नर का 50 रुपए का है, चाइल्ड का 20 रुपए का है और जो इंडियन लोग हैं उनका 30 रुपए का है। राइट राइट। तो अब चलते सीधे ऊपर और देखते हैं कंबोल। तो यार फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच गए नीर वाटरफॉल और यहाँ पे अब चढ़ाई शुरू होने जा रही है। मतलब आधे घंटे का यहाँ पे ट्रैक है और सीधे हम कर रहे हैं यहाँ पे ट्रैक स्टार्ट। तो चलते हैं, चलो चल रहे हैं। यहाँ पे चढ़ने से पहले ही यहाँ पे चेतावनी लिखी है हमारे सामने, पढ़ के दिखाता हूँ क्या है। चेतावनी, नीर परिसर में मदिरा सेवन करना अपराध है। तो मतलब ये है कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग यहाँ पे आके बियर पार्टी करोगे या फिर ड्रिंक करोगे, तो यार आपको पकड़े जाने पर 1000 रुपीस का जुर्माना तक पे करना पड़ सकता है और यहाँ पे चेकिंग भी चलती रहती है। तो गलत हरकतें ना कीजिए। तो ऊपर चलते हैं हम। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे दो झरने पड़ते हैं, पहले नीचे और एक ऊपर। तो हम नीचे वाले पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मेरे दोस्त लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं और यहाँ पे नीचे लोग नहा रहे हैं। ये छोटा झरना है, अब हम जाएंगे सीधे ऊपर यानी बड़े वाले झरने में। मैं थक गया हूँ। तो यार हम लोग यहाँ पे आपको एक सजेशन देना चाहेंगे, वो ये कि अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो शूज़ पहन के आना, चप्पल पहन के बिल्कुल मत आना। क्यों भाई लोग? बिल्कुल, यहाँ पे चप्पलों में स्लिप कर जाओगे। हाँ, यहाँ पे काफ़ी लोग गिर भी रहे हैं। तो मतलब आप लोग देख लो कि यहाँ पे चप्पल पहन के बिल्कुल भी मत आना, शूज़ पहन के आना, क्योंकि रास्ते में बहुत पत्थर हैं यहाँ पे और टूटा फूटा रास्ता है। तो अब चल रहे हैं हम आगे, पिछले 20 मीटर बचाए हैं यहाँ से। तो चलते हैं मेरे भाई लोग। चलो, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे चप्पल पहन के मत आना, ये चप्पल टूटी पड़ी है यहाँ पे किसी की। तो हम तो आगे जा रहे हैं। तो यार फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन मेरे दोस्तों पे बिल्कुल सब्र नहीं था। वो लोग वहाँ पर जाके नहाना शुरू कर दिए। मैंने कहा यार मेरे साथ टेक ले लो, कमी उन्होंने टेक भी नहीं लिया मेरे साथ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं और ये बड़ा झरना है ऊपर की साइड, और नीचे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे छोटा झरना था। तो अब मैं भी जा रहा हूँ अंदर नहाने के लिए। तो यार नहाना तो बनता है मेरा भी। तो यार फाइनली हम लोग यहाँ पे खड़े हैं नीर वाटरफॉल पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आ रहा है। क्यों भाई लोग? तो मतलब यहाँ पे इतना खतरनाक मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि यार यहाँ पे एक तो वाटर लेवल बिल्कुल सही है हमारे और बहुत सही। यहाँ पे गर्मी में हमें बहुत ज़्यादा मतलब देना कि थकान आके ऊपर आके दूर होती है, लेकिन यार रास्ते में तो पूरी लंका लगती है और ये लोग मज़े ले रहे हैं यहाँ पे। तो यार मुझे भी मज़े लेना बनता है, हम भी पूरे मज़े ले रहे हैं यहाँ। तो यार यहाँ पे हम लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, और भाई लोग कैसा लग रहा है तुम्हें ये बताइए? बहुत ऑसम, ऑसम व्यू है आगे, बहुत ऑसम लग रहा है यार। देखो चढ़ते हुए इतनी खतरनाक हमें लंका लगी थी, सच बता रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे जो आके जो मजा आया है भाई, बहुत बहुत चढ़ते हुए तो ऐसा लग रहा था फट जाएगी हमारी लेकिन लेकिन यहाँ पे आके जो हमें मज़ा आया है नीर वाटरफॉल में, वो अलग ही है। और ऊपर सारी थकावट भी उतर गई, यहाँ पे मैगी वगैरह ऊपर सब मिल रही है, खाने पीने का पूरा इंतज़ाम है। तो अब हम नहा के सीधे खाना खाएंगे, मैगी खाएंगे। तो मैगी खाएंगे, मैगी। तो भाई लोग और आप लोग जो देख रहे हैं, ज़रूर आना यहाँ पर, मज़े लेना यहाँ के गर्मियों में आके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, उसके साथ जाने जाए, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ। और ये मेरी सर्वाइवल वॉच पूरा साथ दे रही है मेरा, पानी के अंदर से कुछ नहीं हो रहा है, बचा हुआ है ये बस यहाँ पे। मतलब मैं इसी की वजह बचा हुआ हूँ, साथ ही मेरी इसी से चल रही है।
सर्वाइवल बहुत सही, ऑक्सीजन टैंक है इसमें और पूरा हॉस्पिटल इसमें ही है। मैं तो कहूँ मतलब ले लो आप, 1000 रुपये में पूरा सब कुछ मिलेगा आपको, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आपको जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको लेने के बाद। हमने एक्चुअली यहाँ पे मैगी का ऑर्डर दिया था और मैगी हमारी बन चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं सीधे मैगी खाने और आप चल रहे हो हमारे साथ। अब मेरा कुछ सीन नहीं है पानी में जाने का। हाँ मेरा भी नहीं है। यहाँ पे हमारे सबसे बड़े गरीब को खाना मिल गया है। कैसा लग रहा है भाई? आनंद भाई जी को और हम खा रहे हैं मैगी। ये हमारी मैगी है और ये हम है और ये हमारी पार्टी पावरी हो रही है। ये हम है, हमारी मैगी है और ये हमारी पावरी हो रही है। पावरी हो रही है तो भाई है मेरा ही चैनल, ये आदमी मेरे अंदर काम कर रहा है। कौन सा कर रहा है तू? हाँ स्पॉन्सरी कर रहे। तो यार हम लोग यहाँ पे नहा लिए हैं और नहाने के बाद हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों भाई लोग? बहुत मज़ा आया बना गया। एक्चुअली यहाँ का पानी बहुत साफ़ है और बहुत क्लियर पानी है यहाँ का, कांच की तरह। और यहाँ पे काफ़ी हमें आराम फील हुआ क्योंकि यहाँ चढ़ने के बाद वो थकावट फील होती है, तो अब हमें आराम फील होता है। नहाने के बाद सारी खत्म। तो यार अब मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए और यहाँ पे आके मजे लेने चाहिए। मैगी ज़रूर खा के जाना यहाँ पर अंकल जी की तपूरा आश्रम जरूर। तो भाई आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पे, मज़े लीजिए, मैगी खाइए और टेस्टी मैगी है यहाँ की। और यहाँ से ऋषिकेश से पिछले 2 से 3 किलोमीटर ये पड़ता है आगे, तो यार ज़रूर आइएगा आप लोग। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद।